नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। MS धोनी को ऋषभ पंत अपना गुरु मानते हैं, आइडल मानते हैं और धोनी से ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। भारत के लिए 7 खेले पर अब धोनी के सामने ऋषभ पंत खड़े होंगे। जी हां, इस बार खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि बतौर कप्तान ऋषभ पंत धोनी के आगे खड़े होंगे और उनसे लोहा लेने वाले हैं। दरअसल ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है और वो आगामी सीजन में दिल्ली की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर इस साल IPL में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में कंधे में उन्हें चोट लग गई थी। उनकी जगह पर मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी है और पहला मुकाबला ही दिल्ली का चेन्नई के साथ है। धोनी के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के बारे में बात करते हुए ऋषभ पंत ने कहा, मेरा पहला मैच बतौर कप्तान माही भाई के खिलाफ है, ये मेरे लिए अच्छा अनुभव होगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा अपना अनुभव है। मैं धोनी से सीखी हुई चीज़ों की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कुछ अलग करूँगा। ऋषभ पंत ने आगे कहा, मैं इस मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हमने अब तक एक बार भी कोई टाइटल नहीं जीता है। पिछले 2-3 साल से हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही है। हर कोई अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, हर कोई अपना 100% देने को तैयार है। इस समय टीम का माहौल बहुत अच्छा है और एक कप्तान के तौर पर आप यही चाहते हैं। आपको बता दें, इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पूरा दारोमदार ऋषभ पंत संभालेंगे। पंत फॉर्म में भी हैं और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पिछला सीजन ऋषभ पंत का बहुत खराब गया था, पर IPL के बाद से उन्होंने टीम इंडिया के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है। नतीजा ये रहा कि ऋषभ पंत को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।